खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष पर मास्टर स्ट्रोक की। देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन बैटिंग करते हुए नजर आए, फ्रंट फुट पर खेले। 6 घंटे में 3 राज्यों को कवर किया, 3 बड़ी रैलियां की और सीधे हमला किया राहुल गांधी पर। आड़े हाथों लिया मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह को। उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो फॉरेन रैली के बाद चर्चा का विषय बन गए। और आपको ये भी जानना चाहिए कि 2014 में जिस जगह से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, यानी मेरठ, वहीं से एक बार फिर से उन्होंने चुनावी बिगुल फूंका है। इस बार प्रचार था 2019 के लिए, लेकिन तेवर थे 2014 जैसे। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। अगर कोई थिएटर में नाटक देखने जाता है तो वहां क्या सुनाई देता है? वहां सुनाई देता है, अरे चलो भाई सेट तैयार है क्या? अरे सेट रेडी है क्या? अरे भाई सेट लगा दो। अरे सेट लागू हुआ होगा क्या? नहीं, ऐसा आता ही नहीं शब्द। थिएटर में जहां ड्रामा होता है वहां सेट की सजावट, नया सीन आएगा तो नया सेट, ये सेट शब्द थिएटर में बड़ा कॉमन होता है, बार बार सुनाई देता है। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, जब कल मैं ए सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। जिनको थिएटर का सेट और अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिशन ए सेट का समझ तक नहीं है, साथियों, आज जब भारत अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष में चौकीदारी करने में समर्थ हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के?
हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के। जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा। ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वही कह रहे हैं जो लोग, अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो कहते हैं तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। ये महामलावटी आतंकियों को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे, ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे, उसके आधार पर तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में फ्रंट फुट पर खेलकर बहुत सारे वो वन लाइनर्स दिए जो विपक्ष को बहुत चुभे होंगे, लेकिन उनमें से जो मजबूती से उभर कर आया और जिस पर दिन भर चर्चा होती रही वो था शराब। शराब नहीं, शराब। मायावती और अखिलेश यादव ने इसका अपने ही अलग तरीके से अर्थ निकाला, तो उधर कांग्रेस ने ये कहा कि ये लोकतंत्र की मर्यादा का सीधे तौर पर हनन है। सबसे पहले पीएम मोदी को सुनिए, शराब और शराब की राजनीति यहीं से शुरू। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। मेरठ में भाषण खत्म कर प्रधानमंत्री रुद्रपुर के लिए निकलने वाले थे, अचानक रुक गए, पानी पिया और सियासत और शराब को जोड़ दिया। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। मोदी ने महागठबंधन पर शराब वाला अटैक किया तो बीजेपी कार्यकर्ता जोश से भर गए। लेकिन सबसे पहले इस बयान से कांग्रेस आहत हो गई, हालांकि यह हमला उस पर था भी नहीं।
आरएलडी सपा और बसपा को शराब बताना क्या ये उचित है? क्या ये राजनीतिक मर्यादाओं के अनुरूप है? तीन राजनीतिक दलों की शराब से संज्ञा कर मोदी जी, आपने पूरे प्रजातंत्र तांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाया है। देश के सभी प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले 130 करोड़ लोगों से माफी मांगिए, वरना ये देश और उत्तर प्रदेश आपको कभी माफ नहीं करेगा। मायावती और अखिलेश ने कांग्रेस को महागठबंधन से दूर कर दिया था, लेकिन मोदी को जवाब देने में अखिलेश कांग्रेस से पीछे रह गए। ट्वीट किया, आज टेलीप्रॉम्प्टर ने ये पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वो लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मृग तृष्णा भी कहते हैं और ये वो धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है, लेकिन जो कभी हासिल नहीं होता। अब जब नया चुनाव आ गया तो वो नया शराब दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव मोदी को शराब शब्द पर घेर रहे हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि शराब और शराब का मतलब क्या होता है। शब्दकोश में शराब का मतलब मदिरा मिला, जो हम सब जानते हैं, जबकि शराब का अर्थ मृग तृष्णा और धोखेबाजी मिली। मायावती ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को जवाब दिया, लिखा, देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ की रैली में सपा आरएलडी बसपा गठबंधन को शराब बताकर इनसे दूर रहने की जो बात कही है वो इनकी इस गठबंधन से हो रही भय व घबराहट के साथ साथ इनकी जातिवादी एवं विकृत मानसिकता को भी दर्शाता है। अब 23 मई को जनता बता देगी कि किसने सपने दिखाए और किसने धोखा दिया, लेकिन आज बॉल मोदी के कोर्ट में था और मोदी ने उस पर जमकर छक्के लगाए। अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर।